पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष फहीम खान, महामंत्री रितेश द्विवेदी के नेतृत्व में 25 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने मंडलायुक्त मुरादाबाद को ज्ञापन देते हुए इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का आह्वान किया। आपको बता दें कि लालगंज के असरही गांव में पुलिस की छापामारी कार्रवाई की कवरेज करने गए टीवी चैनल के पत्रकार की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। लालगंज पुलिस और एटीएस के संयुक्त छापामार अभियान में असरही गांव में अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री रविवार को पकड़ी गई थी, जिसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही भारी संख्या में असलहों का जखीरा भी बरामद किया गया। इस छापेमारी की कवरेज करने जनपद के सहोदर पश्चिमी स्टेशन रोड निवासी सुलभ श्रीवास्तव भी गए थे। उनकी एक दुर्घटना में मौत होना बताया जा रहा था। घर न पहुंचने पर घर वाले जब परेशान हुए तो उनकी खोजबीन शुरू हुई। बाद में पता चला कि कटरा रोड पर एक ईंट के भट्टे के पास उन्हें घायल अवस्था में पाया गया, जहां से जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो एबीपी न्यूज चैनल के जिला संवाददाता थे। वो शराब माफियाओं पर भी काफी मुखर होकर अपने चैनल में खबरों को चलाते थे। उन्हें भय था कि उनकी जान को खतरा है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 12 जून को प्रयागराज के अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर अपने जान माल की रक्षा करने की गुहार लगाई थी। पुलिस की उदासीनता और निष्क्रियता से आखिरकार एक युवा पत्रकार को काल कवलित होना पड़ा। उनकी मृत्यु से पूरे प्रदेश के पत्रकारों में आक्रोश है। उनकी मौत को एक दुर्घटना नहीं माना जा सकता। अंदेशा इस बात का लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। पुलिस की लापरवाही देखते हुए यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मांग करती है कि प्रदेश से सरकार अपना हस्तक्षेप करते हुए इस घटना की सीबीआई जांच कराए, जिससे लोगों के सामने सच्चाई आ सके। क्या मांग की है पत्रकार साथी? आज यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मुरादाबाद ने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें उसके उस मौत की जांच और उसमें मुआवजे की मांग की गई है। इसको मैं इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए मैं तत्काल इसको आगे की कार्रवाई के लिए भेज रहा हूँ। एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। प्रतापगढ़ जनपद में एक टीवी चैनल के पत्रकार की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। ठीक एक दिन पहले उन्होंने एडीजी प्रयागराज जी को एक पत्र, शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि उनकी हत्या की जा सकती है। और इसके बावजूद जो है, उस पत्र को देने के 24 घंटे के बाद ही उनकी संदिग्ध अवस्था में प्रतापगढ़ जनपद में सुलभ श्रीवास्तव का शव मिलता है और पुलिस महज 4 घंटे में ये कह देती है कि ये सड़क दुर्घटना है जिनमें उनकी मौत हुई है, जबकि चोट के निशान भी मिले हैं और पत्र भी दिया गया। इसके बावजूद उनकी जो है शराब माफियाओं के द्वारा हत्या किए जाने की अभी तक बात सामने आई है। मैं यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से इस मामले पे सीबीआई जांच कराने की मांग करता हूं राज्य सरकार से। इसके साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग करता हूं। जो पत्रकार दिवंगत हुए हैं टीवी चैनल के, उनकी परिवार की आर्थिक सहायता के लिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए और जो भी इस मामले के दोषी हैं, जो भी शराब माफिया इस मामले के दोषी हैं, उनके खिलाफ सीबीआई जांच करके उन्हें तत्काल जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।